वेलकम, मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहाँ हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की जिंदगी से भी रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभिनेता राजकुमार राव एक लंबे अंतराल के बाद अपनी बेहतरीन अदाकारी से सजीव फिल्म लेकर दर्शकों के बीच आ पहुंचे हैं। फिल्म है तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित श्रीकांत। श्रीकांत फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले एक उद्योगपति की कहानी है, जो देख नहीं सकते लेकिन उनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और आपके अंदर एक जोश और हौसला भर देती है। I want to be a space research scientist and to be the first man on Mars. Thank you, sir. Hello, sir. Sir, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। Thank you, sir. What is your name, young man? Sir, my name is Shrikant Bola. ये फिल्म बिजनेसमैन श्रीकांत भोला के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में राजकुमार राव ने एक बेहद ही चैलेंजिंग रोल प्ले किया है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, जहां वो एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा, पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। समाज में बराबरी का हक मांगता ये शख्स दर्शकों को अपनी बातों से सोचने पर मजबूर कर देता है। फिल्म का डायरेक्शन तुषार हीरानंदानी ने किया है। तुषार एक अच्छे लेखक हैं जो अपनी फिल्मों में बेहतरीन कहानी लेकर आते हैं। अब देखना होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा इतना बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। तो जहां निर्देशक तुषार हीरानंदानी अपनी फिल्म के माध्यम से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाज जिन्हें कमजोर समझता है, दरअसल वो कमजोर नहीं है, बस उन्हें बराबरी की जरूरत होती है। और आपको एक खास बात और बता दें कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के साथ एक खास व्यवस्था भी की है, यानी कि जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए एक्सेल सिनेमा नामक एक ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से वो इस फिल्म का और भी ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं। हमने सिनेमा हॉल का यानी कि थिएटर का जायज़ा लिया और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो दृष्टिहीन लोग हैं वो इस ऐप के माध्यम से किस तरह से इस फिल्म को इंजॉय कर रहे हैं। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। एक्सेल सिनेमा ऐप की फाउंडर दीप्ति प्रसाद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये एक्सेल सिनेमा ऐप की क्या खासियत है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति प्रसाद है, मैं संस्थापक हूँ एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन की। एक्सेल सिनेमा ऑडियो डिस्क्रिप्शन देता है थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स के अंदर, और एक बहुत ही नॉन इंट्रूटिव एंड रीजनेबल एडजस्टमेंट है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज। इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है इंक्लूसिविटी बढ़ाने का। जो दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक तरह की कमेंट्री है, जो विजुअल्स चल रहे हैं, जो स्क्रीन पर दृश्य चल रहे हैं उनको हम ऑडियो फॉर्मेट में एक नरेशन की तरह बनाते हैं और डायलॉग्स के बीचों बीच फिट करते हैं, जो ऐप के माध्यम से यूज़र्स अपने फ़ोन में ईयरफोन्स के द्वारा सुन सकते हैं। एंड इस सेम थिएटर के अंदर साइटेड बैठे हो सकते
सकते हैं, व्हील चेयर यूजर्स बैठे हो सकते हैं, एंड बिना आपस में एक दूसरे से बात किए हुए, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए एक दृश्य बाधित अपनी मूवी इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रहा है। इस तरह की ऐप बनाने का ख्याल आपको क्यों आया, क्या कुछ इस तरह का आपने देखा, टच किया, जिसकी वजह से आपने ये ऐप बनाने की सोची? रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। का आपने देखा, टच किया, जिसकी वजह से आपने ये ऐप बनाने की सोची? सो एक्सेल सिनेमा की शुरुआत पर्सनल इंसिडेंट के साथ हुई थी। एक्सेल सिनेमा स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लैंग्वेज। तो मैं फादर के साथ इंग्लिश मूवी एवेंजर्स देखने गई थी एंड पापा को पूरी मूवी में नरेशन देती रही, क्योंकि इंग्लिश मूवी के जो डायलॉग्स होते हैं उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है। तो मैं उनसे बात करती रही, आसपास बैठे हुए लोगों को डिस्टर्ब खूब किया हम दोनों ने मिलके, एंड अल्टीमेटली मैंने खुद भी मूवी इन्जॉय नहीं की क्योंकि ज़्यादातर टाइम उनको समझाने में निकल गया। एंड जब मैं इंडिया आई, सो मैं वैसे दुबई से हूँ और ये मूवी एक्सपीरियंस हमारा दुबई में हुआ था, एंड जब इंडिया आई तो मैंने देखा कि PVR में एवेंजर्स इन हिंदी लगी हुई है। सो उस समय रियलाइज़ हुआ कि जब किसी ने हिंदी में डबिंग कर ली है तो उसकी ऑडियो उसका ऑडियो क्यों नहीं, यू नो, ये वाले डबिंग वाला वर्जन विश्व भर में क्यों नहीं रिलीज़ किया गया, इसको इंडिया तक सीमित क्यों कर दिया गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि एक गैप है इंडियन सिनेमा में जो टेक्नोलॉजी की मदद से भरा जा सकता है। तो एक्सेल सिनेमा पे हमने नापेरू सूर्या, अल्लू अर्जुन जी की मूवी थी 2018 में, वो सबसे पहली मूवी थी एंड उसको हमने लॉन्च किया। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि एक विजुअली इम्पेयर्ड को ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, एंड जो टेक्नोलॉजी मैं बना चुकी हूँ इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है और उनको प्रमोट किया जा सकता है अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में मूवीज़ को इंजॉय करने के लिए। तो किस तरह का उत्साह देखने को मिला, मतलब लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है इस ऐप को लेकर? ये तो मैंने खुद नहीं रियलाइज़ किया था, पर इतने हम्बल, इतने वार्म मैसेजेस जब फीडबैक के आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग विजुअली इम्पेयर्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्किल डेवलपमेंट, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके लेजर, जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है, राइट टू लेजर, उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। एंड आई फील आई हैव डन दैट बींग इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली OTT प्लेटफॉर्म, इंडियाज़ फर्स्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक्सेसिबल बना रहा है दृष्टिबाधित के लिए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। आज आपने एक्सेल सिनेमा ऐप के साथ इस फिल्म को देखा है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या इन्जॉय किया आपने? ओवरऑल इट हैज़ बीन अ रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इट इज़ मोर इंक्लूसिव बिकॉज नॉन डिसेबल्ड पीपल आर ऑल्सो सिटिंग इन द थिएटर, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज इंक्लूसिव एज आई वुड लाइक टू बी बिकॉज देर आर जस्ट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, नॉट अदर टाइप्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। But yeah, with the audio description and all, it has been really a good experience till now. And I think more films should be made accessible just like this. And since I'm also visually impaired and I'm also a filmmaker and want to be a filmmaker, so I would want such inclusive experience to be more flourish in the society furthermore. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम ओवरऑल इट हैज़ बीन ग्रेट, जैसे सर ने कहा है कि एक्सेसिबल फॉर्मेट में सारी मूवीज़ आनी चाहिए। ये मेक श्योर कि जो प्रोडक्शन हाउसेज है कि वो जो भी बना रहे हैं वो पूरे प्रॉपरली ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो, ताकि जो दूसरे हम विजुअल इम्पेयर्ड है वो सारे सीन, सारे कैरेक्टर्स, पूरा स्टोरी लाइन इन्जॉय कर पाए और समझ पाए। एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक फॉर्मेट है जो वो समझ पाएंगे कि सीन पर्दे पर क्या चल रहा है। और अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस में आयोजित होने जा रहे कान फिल्म फेस्टिवल की, जिसका इंतज़ार सभी सिने प्रेमियों को रहता है, और हो भी क्यों ना, यहाँ पर देश विदेश की बेहतरीन फिल्में न सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए लगती हैं बल्कि आपस में मुकाबला करती हुई भी नज़र आती हैं। भारत के लिए भी कान फिल्म फेस्टिवल हमेशा से ही खास रहा है और इस बार भी खास होने जा रहा है, क्योंकि दो फिल्में इसमें के लिए सेलेक्ट हुई हैं। पायल कबाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसमें पाल्मे डी'ओर पुरस्कार के लिए कॉम्पिटीट करती हुई नजर आएगी, जिसका हाल ही में ट्रेलर
रिलीज किया गया है। वहीं चिदनन नायक की सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो का पोस्टर भी रिलीज हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि माचेडू फिल्म फेस्टिवल के लिए यहाँ पर एक साउथ इंडियन फिल्म सेलेक्ट हुई है। क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए खास होने वाला है। 14 से 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में खास तौर पर भारत पर्व का आयोजन होगा। कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सदस्य देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करेंगे। ये पहली बार होगा जब देश कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व का आयोजन करेगा। इस दौरान गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण किया जाएगा। 108 विलेज इंटरनेशनल रिवेरा में भारत पवेलियन का उद्घाटन 15 मई को प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। भारत पवेलियन का नाम इस वर्ष की थीम क्रिएटिव इन इंडिया को चित्रित करने के लिए सूत्राधार रखा गया है। पायल कपाड़िया की All We Imagine as Light दर्शकों को आकर्षित करने और प्रतिष्ठित फिल्म पाल्म डी ओर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। रात्रि वे काल ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം, നല്ലതാണ് വലിയ സമയങ്ങളാണ്. बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारतीय एंट्री कान फिल्म महोत्सव आधिकारिक चयन के प्रतियोगिता खंड में 3 दशकों के बाद हुई है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र की फिल्म Sunflowers were first ones to know को लास्ट सिनेमा प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है। श्याम बेनेगल की मंथन अमूल डेयरी सहकारी आंदोलन पर केंद्रित एक फिल्म क्लासेस सैंक्शन में प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियर अजेन्यू ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इस मौके पर वो कान के प्रतिनिधियों के लिए एक मास्टर क्लास भी देंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की, जिन्हें हासिल करना हर एक भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात होती है। ये पुरस्कार ज्ञान विज्ञान स्वास्थ्य इंजीनियरिंग से लेकर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। वहीं मनोरंजन में ये सम्मान किन किन को हासिल हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में जब राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार दिए गए तो ये क्षण देखने वालों और हासिल करने वालों के लिए यादगार बन गया। 3 श्रेणियों में दिए गए इन पुरस्कारों में सामाजिक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल से लेकर कई अन्य क्षेत्र शामिल रहे। वहीं जब कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म सम्मान दिया गया तो इस सम्मान को हासिल करने वालों में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल रहे। कैप्टन कहे जाने वाले तमिल सिनेमा के दिवंगत अभिनेता और राजनेता विजयकांत को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका पूरा नाम नारायण विजयराज अलगार स्वामी था। 28 दिसंबर 2023 में निमोनिया के कारण उनका निधन हो गया था। अपने 4 दशक के शानदार करियर में उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वह तमिल सिनेमा में
1980 और 1990 के दशक में बड़ा नाम रहे थे। वहीं वो 2011 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 में की थी। मई 1991 में आई एक फिल्म कैप्टन प्रभाकरण से उनके फैंस ने उन्हें कैप्टन का तमगा दिया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते उनकी फैंस फॉलोइंग में काफी उछाल आता गया। श्री कैप्टन विजयकांत मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता। साउथ सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे भारतीय सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। कॉनिडेला चिरंजीवी एक अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं। चार दशक से अधिक के करियर में उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु में 150 से अधिक फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तमिल और कन्नड़ की कई फिल्मों में अभिनय किया। चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार रघुपति वेंकैया पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार समेत कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। साल 1987 में चिरंजीवी ऑस्कर में बतौर होस्ट शामिल होने वाले साउथ सिनेमा के पहले एक्टर थे। चिरंजीवी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्टर ने एक के बाद एक 14 हिट फिल्में दी थी। 1998 में चिरंजीवी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना कर मानवतावादी गतिविधियों में शामिल हैं। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंती माला बाली को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैजयंती माला ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1949 में आई तमिल फिल्म वाजकई से की थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। फिर उन्होंने साल 1951 में बहार फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनेत्री ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 1950 से 1960 के दशक के बीच उन्होंने नागिन, देवदास, नया दौर, मधुमति, गंगा जमुना, संगम, ज्वेल थीफ जैसी यादगार फिल्में दी। उन्होंने अपने एक्टिंग से हिंदी सिनेमा को एक नया मुकाम दिया। वैजयंती माला सिर्फ बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि प्रतिभाशाली नृत्यांगना भी हैं। फिल्मी गानों पर उनके डांस परफॉर्मेंस के लोग आज भी दीवाने हैं। पद्म विभूषण डॉक्टर वैजयंती माला बाली कला नृत्य एवं अभिनय। भरतनाट्यम नृत्यांगना, एक सदाबहार अभिनेत्री और एक कंपैशनेट सांसद,
साथ ही हाल ही में भारत के सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हर दिल पर राज करने वाली डॉक्टर वैजयंती माला बाली जी का हार्दिक अभिनंदन है। डीडी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। नमस्कार मैम। मैम, हिंदी फिल्म जगत में आपने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, नए दौर को आप लेकर के आई हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। मैं सफ़र के बारे में क्या, ये सब भगवान ने जो किया है तो मैं प्रणाम करती हूँ। मैम, आप एक भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं और आपने उस दौर में कहूँगी सेमी क्लासिकल अर्धशास्त्रीय संगीत को आप फिल्म जगत में लेकर के आए, आपने जोड़ा और वो दौर अलग था, वो समय अलग था। उस दौर में नृत्यांगना अलग आती थी, अभिनेत्री अलग आते थे, वो आसान नहीं था, वो संगम आपने कैसे बिठाया? भरतनाट्यम इतना मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो फिल्मों के लिए अलग, मगर भरतनाट्यम में जो फाउंडेशन ना अस्तिवार जो कहते हैं, इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग अस्तिवार, तो हर एक डांस मैं कर सकती थी। अर्थशास्त्रीय संगीत को आप ही फिल्मों में लेकर के? हाँ हाँ, शास्त्रीय संगीत और हमारे जो रिच फोकलोर है ना, फोक डांसेस, इंडिया में सारे इतने फोक डांसेस इतने बढ़िया हैं, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। बात संगम की मैंने कही तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी फिल्म संगम के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि वो तो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी मैम। हाँ, संगम बिल्कुल, और इसमें तीन नई बात थी। तो फर्स्ट फिल्म वो टेक्निकलर में शूट किया, और क्योंकि पहले गेवा कलर और ईस्टमैन कलर वैसे किया करते थे, मगर क्योंकि लैब नहीं था यहाँ इंडिया में, तो संगम लैब के लिए राज कपूर जी को लंदन जाना पड़ा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि टेक्निकलर पहली फिल्म टेक्निकलर में, और दूसरी बात फॉरेन लोकेशंस, फर्स्ट फिल्म जो अब्रॉड में शूटिंग से किया उन्होंने, बहुत लंबी फिल्म थी, 3 घंटे से चली रही। हाँ, और वो कैरेक्टर जो मैंने किया वहाँ उसमें, तो सारे वाइट, वो उनका जो आइडिया जो वो संगीत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो डिस्कस करते थे। एक बेहतरीन कलाकार आप हैं, एक बेमिसाल नृत्यांगना है, लेकिन मेरे दर्शक बहुत से जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते हैं कि शास्त्रीय गायन की भी अच्छी समझ है और बहुत अच्छा गाती हैं आप, और आपका फेवरेट है कर्नाटक संगीत। मैं साथ साथ कर्नाटक म्यूजिक तो कर्नाटक संगीत तो सीखना ही पड़ा, क्योंकि बगैर संगीत नाट्य नहीं, नृत्य नहीं हो सकता है ना। तो मेरी नानी जी तो बहुत पर्टिकुलर थी, तो और डिसिप्लिन थी, और मुझे संगीत के बारे में साइड बाय साइड वो संगीत वो भी सीखना पड़ा। और कहते भी हैं ना कि संगीत तो पूरा नियमबद्ध होता है, उसमें डिसिप्लिन अगर आप नहीं है आपके पास तो आप संगीत नहीं सीख सकते। अब मैं क्या बताऊं। जो आपका योगदान रहा है न सिर्फ फिल्मों के लिए, चाहे संगीत हो चाहे फिल्म हो, दशकों तक रहा है। मैं रिसर्च में पढ़ी हूँ जी, क्यों भरतनाट्यम में जो उस जमाने में जो मंदिरों में तंजावर बृहदेश्वर मंदिर में जो किया करते थे, वो जो फैमिली तंजावर क्वार्टेट उसको कहते हैं, तो 4 भाई थे, तो उन्होंने
सब भरतनाट्यम को कोडिफाई किया और कॉम्पोजिशंस इतने बढ़िया कॉम्पोजिशंस टेंपल मंदिरों में जो कर किया करते थे ना, तो उसमें भक्ति ज़्यादा है, बहुत ही भक्ति। तो वो उसको उनको मैं ले आना चाहती थी, तो मैं एक के बाद रिसर्च में लग गई। हाँ, तो और लोगों को बहुत अच्छा लगा। शास्त्रीय संगीत को आधुनिक संगीत के साथ में मिक्स करके लोगों के बीच में लाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। अच्छा लग रहा है। किसी भी विधा में आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और कोई भी सफ़र चाहे आसान हो या ना हो, यकीनन सफ़र किसी का आसान नहीं होता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत ही होती है। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। संबंध संगीत से है। संगीत कई चीज़ों का मिश्रण है।